वर्ल्ड कप में आठवीं बार भारत ने फिर तोड़ा पाकिस्तान का जीतने का सपना। 7 विकेट से भारत ने पाकिस्तान को चटाई धूल कर दिया चारों खाने चित। पहले भारत के गेंदबाजों ने, फिर कप्तान रोहित ने पाकिस्तान के जीत के मंसूबों पर फेरा पानी। वर्ल्ड कप 2023 का सबसे बड़ा महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में खेला गया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान की टीम भारतीय टीम की घातक गेंदबाजी के चलते पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सकी। पाकिस्तान 42.4 ओवर में 191 रनों पर ढेर हो गई, जिसमें कप्तान बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 50 रनों का योगदान दिया। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 31वें ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में भारत के सामने जीत के लिए 192 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 31 ओवर में ही 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस मैच में पारी की शुरुआत कर रहे शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने भारत को आक्रामक शुरुआत दिला दी। हालांकि गिल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 11 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से 16 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन आउट होने के बाद विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आए, जिन्होंने रोहित शर्मा के साथ मिलकर पारी को तेजी से आगे बढ़ाया। विराट भी 16 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा ने 63 गेंदों में 86 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उनकी इस पारी के दौरान रोहित के बल्ले से 6 चौके और 6 छक्के देखने को मिले। उन्होंने अपनी इस पारी से भारत को जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया, जहां से भारत को 36 रनों की दरकार थी, जिसे श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने मिलकर हासिल भी कर लिया। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ साधारण बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। बड़े मैचों में देखा जाता है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, ऐसा ही कुछ अहमदाबाद में देखने को मिला। इसका पूरा श्रेय कप्तान रोहित शर्मा को जाता है, जिन्होंने मिडिल ओवरों में बुमराह, सिराज और कुलदीप का इस्तेमाल किया। जब बाबर और रिजवान के बीच बड़ी पार्टनरशिप बन रही थी, तो रोहित अपने मुख्य गेंदबाज सिराज को दोबारा वापस लेकर आए, जिन्होंने बाबर का विकेट चटका दिया। इसके बाद उन्होंने बुमराह और कुलदीप को भी मौका दिया, जिन्होंने एक के बाद एक विकेट चटकाए। रोहित की इस प्लानिंग के सामने बाबर की सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। सिराज शुरुआत से महंगे साबित जरूर हुए, लेकिन उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के रूप में भारत को बैक थ्रू दिलाया। इसके बाद बुमराह और कुलदीप ने भी दूसरे छोर से विकेटों का दबाव जारी रखा। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। इसके अलावा जडेजा ने भी 2 विकेट झटक कर पाकिस्तान टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा लंबे लंबे छक्के जड़ने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी 6 छक्के लगाए। इसी के साथ रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने के मामले में 3rd नंबर पर आ चुके हैं। भारत के खिलाफ पारी की शुरुआत करने के लिए आए अब्दुल्ला शफीक 20 रन और इमाम उल हक 36 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गई। हालांकि कप्तान बाबर आजम 50 रन और मोहम्मद रिजवान 49 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान की पारी को जरूर संभाला। इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद पाकिस्तान टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने बुरी तरह से बिखर गई, क्योंकि 16 रनों के अंतराल में पाकिस्तान ने 5 विकेट गंवा दिए और भारत इस मुकाबले को 7 विकेटों से जीत गया। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।